गुरुवार को नीमच पीजी कॉलेज में युवा उत्सव के दूसरे दिन नृत्य संगीत और मंच कलाओं से जुड़ी विधाओं का विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने आकर्षक नृत्य और प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित जनों को विद्यार्थियों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। नीमच पीजी कॉलेज के प्रोफेसर और युवा उत्सव के संयोजक डॉक्टर संजय जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन बुधवार 22 दिसंबर को हुआ। इसका समापन कल 24 दिसंबर को होगा। डॉक्टर संजय जोशी ने बताया कि इस बार युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 2 वर्ष से कोरोना काल में इस तरह के आयोजन नहीं हो सके थे। इस बार युवाओं में काफी जोश है और वह अपनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। युवा उत्सव का यह दूसरा दिन और दूसरे दिन में हमारी जितनी भी मंचीय स्पर्धाएं हैं वो आयोजित हो रही है और 2 वर्ष के कोरोना काल के पश्चात विद्यार्थियों में जोश है, उत्साह है, उमंग है और वो इतनी अच्छी प्रस्तुतियां लेकर नृत्य में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज दूसरे दिन अभी पहले चरण में जो हमारी नृत्य संबंधी विधाएं हुई जिसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया है। एकल शास्त्री, एकल सोलो वेस्टर्न, ग्रुप डांस, समूह नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पर बच्चों ने दी है। और अब इसके बाद दूसरे चरण में आज हमारी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, गायन से संबंधित सभी विधाओं का आयोजन होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों में जो जोश और उत्साह दिख रहा है वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भी दिखेगा और हमारे विद्यार्थी यहाँ से और अच्छे प्रदर्शन के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर और संभाग स्तर पर पहुँचेंगे। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।